नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे खतरनाक हथियार यानी कि भारत की INS अरिघट सबमरीन की। और दोस्तों, इसकी पहुंच यूरोप और अमेरिका तक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक है। और ये वीडियो मैं खास तौर पर अमित नायडू जी के कहने पर बना रहा हूँ। उन्होंने इसके बारे में पूरी डिटेल पूछी है और साथ ही दूसरे कई लोग भी थे जिनका कमेंट था, लेकिन मैं उनके कमेंट को यहाँ पर नहीं दिखा सका, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो में कमेंट आया है, ये एक पाकिस्तानी है, इसने कहा है कि JF-17 की जो PL-15 मिसाइल है, वो उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होगी, जो कि राफेल से भी ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों, ये इन पाकिस्तानियों का इनका कुछ नहीं पता है कि ये क्या से क्या बना दे। और पाकिस्तानी युवती का दावा है कि ट्रंप उसके पिता हैं और वे अक्सर उसकी माँ से लड़ाई करते थे। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का कुछ नहीं पता है, ये मतलब ये अब केवल ख्वाब ही देखते रहते हैं हर किसी चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस बात को छोड़ते हैं, साथ ही अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, साथ ही आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। पहला सवाल आता है अमित कुमार जी की तरफ से कि एमका की कितनी स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगी। तो देखिए, जो एमका MK-1 है, उसकी 2 स्क्वाड्रन और बाद में 6 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में शामिल की जाएगी। और दोस्तों, हालांकि थोड़ा बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो दोस्तों, अब बात आ जाती है, जो रमन कुमार जी ने एक सुझाव दिया है, क्या हमें SLBM सीरीज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए? अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, INS अरिघट, ये एक INS अरिहंत क्लास की सेकेंड सबमरीन है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे भारत द्वारा बनाया जा रहा है। और ये INS अरिघट है और इसे बना रही है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में, और इसे लॉन्च किया गया था 19 नवंबर 2017 में। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इतनी जल्दी पूरा कर लिया गया है भारत की तरफ से, और अभी ये सी ट्रायल्स में चल रही है। हालांकि इसके सी ट्रायल लगभग कंप्लीट हो गए हैं, छोटे मोटे सी ट्रायल्स रह गए हैं, और भारत इसे 2020 के एंड में अपनी नौसेना में शामिल कर लेगा। और दोस्तों, बात करें इसके टाइप की, तो ये एक SSBN क्लास की सबमरीन है, और इसका डिस्प्लेसमेंट, हालांकि नेट पर या आप गूगल कहीं पर भी सर्च करो, जो सोर्स है उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि 13,500 टन कि ये हैवी वेट कैटेगरी की सबमरीन होगी। और दोस्तों, बीम की बात करें तो 15 मीटर, ड्राफ्ट है इसका 10 मीटर, और प्रोपल्शन दोस्तों इसमें एक प्रोपेलर शाफ्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। और दोस्तों, भारत ऐसी कितनी सबमरीन अपनी नौसेना में शामिल करेगा? तो देखिए दोस्तों, 4 सबमरीन को भारत अपनी नौसेना में शामिल करेगा, जिसमें से INS अरिहंत भारत शामिल कर चुका है। आपको पता है कि वो भी कितनी ज़्यादा खतरनाक सबमरीन है, और भारत 4 ऐसी अपनी सेना में शामिल करने के साथ एक इसको 2020 के एंड में शामिल कर लेगा, और 2022 तक भारत के पास चारों की 4 INS अरिहंत क्लास की सबमरीन आ जाएगी। और दोस्तों, इसके लिए 1.2 बिलियन US डॉलर का जो है प्रोजेक्ट के लिए जो फंड है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो देखिए दोस्तों, स्पीड की बात करें तो ये सरफेस पे यानी कि सतह के ऊपर, तो इसकी 28 किलोमीटर पर आवर है, जो कि बहुत अच्छी है, और अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे 44 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहती है, जो कि इतनी भारी भरकम सबमरीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों, बात करें इसकी रेंज की, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, तो अनलिमिटेड रेंज के साथ ये कहीं पर भी जा सकती है, और इसे केवल फूड सप्लाई या जो इसके अंदर नेवल सेलर्स रहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत जो सतह पर आना पड़ता है। हालांकि ये पूरी तरह से अमेरिका, यूरोप कहीं पर भी एक बार में पहुंच सकती है और हमला कर सकती है। बात करें ये कितनी गहराई तक जा सकती है, तो 300 से 400 मीटर नीचे ये चली जा सकती है। इतने नीचे जो रडार हैं वे भी, जो सोनार होते हैं उनके लिए भी इसे पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो वहीं पर बात करें इसके वेपन्स की, तो इसमें मिसाइलों के तौर पर जो मिसाइल हैं, 12 ट्यूब इसमें लगे हैं, जिसमें K-15 मिसाइल और साथ ही इसमें SLBM यानी कि सबसे खतरनाक मिसाइल जो इस सबमरीन को बनाती है वो है, इसमें 4K-4 मिसाइलें आप लगा सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है, और 3,500 किलोमीटर की रेंज में ये कहीं पर भी हमला कर सकती है। और टर्पीडोज की बात करें तो इसमें 6 टर्पीडोज ट्यूब हैं, जिसमें आप 21 टर्पीडोज लगा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जब
INS अरिहंत के साथ कॉम्बिनेशन किया जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होगा। दोस्तों दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास अपनी खुद की बनाई टेक्नोलॉजी है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना सकते हैं। और दोस्तों साथ ही बात करें कि भारत को ज़रूरत क्यों पड़ी और भारत ने कैसे इसको इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो देखिए दोस्तों भारत को न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिल सकती थी बाहर से, और दोस्तों ना ही कोई देश देना चाहता है क्योंकि ये बहुत ही मतलब मुश्किल टेक्नोलॉजी होती है, इसको डेवलप करना इतना आसान नहीं होता है। तो भारत को लगा कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा, तो ऐसे में भारत ने इतनी जल्दी इसे कंप्लीट कर लिया। तो वहीं पर हम बात करें दूसरे प्रोजेक्ट की, अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा हो तो भारत उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकता है, लेकिन दूसरे देशों पर निर्भरता की भारत को भी अब आदत सी लग गई थी, तो लेकिन अब उसको आत्मनिर्भर भारत के तहत जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा और भारत जल्द से जल्द अपने हथियारों को, जो पूरे हथियार है, उनको बनाना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपके कुछ सवाल हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको आंसर भी करूंगा। और दोस्तों एक ग्लिच चल रहा है कि मैं जैसे ही किसी भी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, मैं रिप्लाई दे देता हूँ लेकिन वहाँ पर रिप्लाई नहीं जाता है, तो यूट्यूब इसको जल्द से जल्द फिक्स कर लेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।